जनाब बहुत ही बेहतरीन और शानदार मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया <laughs> ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया ऑस्ट्रेलिया जीत गया साउथ अफ्रीका एंड पे हार गया लेकिन कोई बात नहीं साउथ अफ्रीका ने इसी वर्ल्ड कप में मजे चख लिए हमसे क्लोज मैच वो जीत गए थे जो कि वो हार सकते थे आज एक मैच जो कि वो जीतने के करीब आए लेकिन जीत नहीं पाए दिस इस क्रिकेट कभी खुशी कभी कम लेकिन पाकिस्तान वाला मैच अगर हार जाते तो इतना शायद के फर्क ना पड़ता क्योंकि ये सिर्फ दो मैच हारे हैं एक और भी हार जाते तब भी सेमीफाइनल में इन्होंने आ जाना था लेकिन ये वाला मैच हारने के बाद कोई और मौका है नहीं और ये नॉकआउट मैच उसका प्रेशर और साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर डाउन करता है लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के भी पसीने छुड़ा दिए थोड़ी सी और फील्डिंग भी अच्छी हो जाती जो कैचेस ड्रॉप किए हैं वो भी ना होते तो बहुत बेहतरीन काम इनके लिए हो जाता फर्स्ट टाइम ये फाइनल खेल लेते वर्ल्ड कप का आज तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेला और ये ख्वाब आंखों में सजाए वो इसी तरह ही वापस जाएंगे और अब इंतजार करना पड़ेगा चार साल का चार साल के इंतजार के बाद फिर मौका मिलेगा कि आप सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल में पहुंचे फिलहाल फाइनल में नहीं पहुंचे वो और जो टीम फाइनल में पहुंची है उनको तो एक आदत सी है कि फाइनल खेलने की और आदत से मजबूर फिर पहुंच गए हैं फाइनल में और अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आ, फाइनल खेला जाएगा और फाइनल होगा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा दो दिन का बीच में गैप है उन्नीस तारीख को यह फाइनल खेला जाएगा और अच्छा और तगड़ा मैच होने की तोकू है और जो दोस्त इंडिया से देख रहे हैं आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है टीम इंडिया इस काबिल है कि दोनों में से कोई भी आती तो टीम इंडिया दोनों को हराने की सिलाहियत रखता है तो अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होगा बट अ मैच अ मैच ऑफ टू बोथ द टीम्स और साउथ अफ्रीका उन्होंने भी बहुत फाइट दिखाई देखिए छे ओवरों में साठ थे ओवरों में साठ थे उन्होंने बड़ा काउंटर अटैक किया था लेकिन फिर स्पिनर्स ने आगे जादू दिखाया शमसी महाराज वो तो पहले नंबर की रैंकिंग पे है चौबीस रन दिए हैं उसने ही इज रियली अमेजिंग और महाराज भाई ने एक विकेट लिया चौबीस रन प्रेशर डाला शमसी दो माकरम भी ले गया विकेट माकरम का एक आधा कैच भी छूटा बाकी फास्ट बॉलर्स ने की धुलाई हुई है लेकिन स्पिनर्स ने इनको गेम में रखा बड़ी कोशिश की सब ने बबूमा एंड एंड कंपनी बट एट द द ऑफ डे थोड़े से और ज्यादा थोड़े बना लेते ये ढाई सौ तक पैंतीस चालीस तक चले जाते लेकिन अब वो इफ्सन बट तो नहीं होता जो किया है तो वो किया है। लेकिन मैच अच्छा और तगड़ा हो गया जी मोहसन अली साहब अः जीता तो नहीं साउथ uh, अफ्रीका लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई है ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए और बड़ा एक बेहतरीन और थ्रिलर कह सकते हैं आप इसको मुकाबला हुआ है एट द एंड ऑफ द डे सात ही विकेटें गिरी हैं लेकिन वी वी नो uh, no, कि एक आधा विकेट और इधर उधर तो आखिरी पांच सात हाँ आठ दस करते करते लग पता जाता है तो तारीफ यहाँ पे थोड़ी सी एंड पे कमिन्स की भी उस दिन मैक्सवेल के साथ भी खड़ा हुआ था लेकिन आज भी उसने चौदह रन जो किए हैं बड़े वाइटल किए हैं

ना इसको स्लिप लगानी आती है ना इसको फील्ड प्लेसमेंट आती है ना इसको बॉलिंग चेंजिंग आती है ना इसको बैटिंग आती है ये है क्या बला है पांच कैच आपने 212 में भी छोड़ दिए पांच कैच इसके बावजूद मैच जो है अड़तालीसवें ओवर तक जा रहा है अड़तालीसवें ओवर मरा उसने हटने साठ पे पहली इक्सठ पे दूसरी और उसके बाद देखे में 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 और एक सौ इक्या तिरानवे सातवीं विकेट गिरी अभी भी कैच छोड़ दिया तीन कैच डिकॉक ने छोड़ दिए स्लिप इसने लगाई नहीं है जिसके साथ चौके हुए जैनसन को भून के रख दिया रबदा इस एंड पे आगे विकटे लेता है वो से थक गया उसी को टन के रखा के लगाए रखो देखे कि स्पिनर आपको आपने कहा जी नकदी शमसी एक बेहतरीन मूव साबित हुई के विकटे भी ले गया शानदार बॉलिंग की कोर्टिजिया वाज गुड महाराज वाज अमेजिंग बट मकरम का जो रोल है 8 ओवर 1 मेडन 23 24 रन और एक विकेट और एंड तक मैच को बनाए रखा अगर ये फलूदा ये जो नस्ली इम्तियाज है पता नहीं आईसीसी श्रीलंका को तो बैन कर देता है कर देता है, लेकिन उसे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका क्यों नहीं नजर आते जहां पे जिम्बाब्वे क्यों नजर नहीं आता जहां पे ये कलर मैटर्स मोस्ट होता है ये बमूमा ना होता आप यकीन करें ये ढाई सौ से ऊपर भी जाते और कप्तानी भी अगर मकाररम ने इतनी अच्छी कप्तानी करता है अगर माकरम कप्तान होता ये 212 पे भी इसमें कोई बहस नहीं है दे आर विनर्स बट उनके आगे पीछे से पसीना निकाल दिया साउथ अफ्रीका ने सात विकटे साठ पे कोई आउट नहीं था ओवर में 150 रन रह गए थे सही बात 150 रन रह गए थे और उसमें भी सात विकटे ऑस्ट्रेलिया की ली है तो इंडिया को इससे बड़ा दिल लेना चाहिए देखो इस टूर्नामेंट विदाउट अ विदो डाउट यस आई एडसेट साउथ अफ्रीका का होगा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया का होगा लेकिन इतनी वाइट के बाद ओवरऑल यस माय व्हाट आई फील इट वेंट रॉन्ग बट अगर आप ऑनेस्ट होंगे और धुम पकड़ने के अलावा सिर्फ मोहिन को ढूंढ करने के चक्कर के अलावा तो आप देखे क्या मैच हुआ है अगर ये इस एक ही देखे भी एवरेज कैप्टन है वेरी एवरेज के ओवर आज भी नहीं पूरा करा सका और जान के इसने 212 तक किए गए हैं वरना नहीं जाते ये साउथ अफ्रीका के मिलर नो डाउट वाज अमेजिंग आउटस्टैंडिंग ये देखे लेबुशैन है स्मिथ है ये टेस्ट नहीं है जो लोग विराट कोहली अब इनको समझ आएगी ये जो क्रिकेटिंग इलिटरेट्स है ये जो नफरत के पैदागवार है ये जो गलाजत के ढेर है इन्हें अब पता लगेगा अबू जान की अहमियत क्या है और रिजवान

पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम रिजाइन कर गया नए नए कप्तान बना रहे हैं लेकिन एक चीज मेक श्योर करें आप जहरा दुनिया की क्रिकेट के मैचेस देखते हैं तो आप उससे सीखते हैं कुछ कप्तान वो होना चाहिए कि जिसकी टीम में जगह पे कोई क्वेश्चन ना उठाए कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाए कि भाई ये बंदा टीम में क्या कर रहा है ये कप्तान बना हुआ है बबूमा भी उसी कैटेगरी में आता है बबूमा इज कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका लेकिन उसकी अपनी कोई कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं कुछ नहीं किया उसने पूरे वर्ल्ड कप में सिवाय कि वो पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद उसने जो उछला और खुशी मनाई है वो ही उसकी हाईलाइट या वो जो शुरू शुरू में सो गया था जब सारे कप्तान सो गया था बिल्कुल आपने सही याद दिलाया तो याद वो जब सारे कप्तान मौजूद थे वहां पे वो सो सो गया था तब हेडलाइंस बनाई थी जी बबूमा सो गया बस या वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान से वो जीत गया मैच क्लोज मैच बबूमा एकदम से डग से निकलता है जैसे अंडे से चूसा निकलता है और ऐसे जंप जंपे मार मार के ठीक है उसका बनता है भाई आप जीत गए हो मैच आप सेलिब्रेट करो अंडे से क्या निकलता है चूसे ही निकलते ना यार तो बबूमा ने सिर्फ वो दो मतलब हेडलाइंस बनाई है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वाह जी बबूमा ये वो वे हा लेकिन खुद उसने बल्ले से कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई रजा बीच में एक दो मैच में इंजर्ड था रजा आया उसने इंपैक्ट छोड़ा लेकिन ये पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया इसने कुछ नहीं किया तो व्हाट इज द लेसन ये पाकिस्तान में भी जो इधर चल रहा है हिसाब किताब तो कप्तान उसको सोच समझ के बनाना कि जिसकी टीम पे जगह पे कोई क्वेश्चन ना करे कि भाई ये बंदा टीम में क्या कर रहा है आपने इसे कप्तान बना दिया तो अब ये चीज बहुत वाइटल है ना आपकी अगर टीम में जगह नहीं है तो आप वो वाली रिस्पेक्ट भी कमांड नहीं कर सकते लोग कहते हैं यार ये तो खुद भी मतलब पता नहीं किस चक्कर में खेली जा रहा है हमें ये बोलता है ऐसे करो वैसे करो ये खुद क्या कर रहा है तो ये बिल्कुल बबूमा भी उसी कैटेगरी में है मतलब दस बंदों से खेल लिया वर्ल्ड इन्होंने वर्ल्ड कप बहुत से अच्छा था या कोई कोई हैंड्रिक्स को डाल देते या कोई एक आधा और कोई बॉलर डाल देते और कुछ तो डिफरेंट कर लेते एक बंदा लेस ही खेल के हैं पूरा वर्ल्ड कप और एट द द एंड ऑफ डे दैर साउथ अफ्रीका हो गया और मोस्ट वाइटल मैच 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 में में ऑफ द टूर्नामेंट फॉर देम नॉकआउट परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई जैसी एक्सपेक्टेड थी फाइट बड़ा तगड़ा किया 24 के चार आउट होने के बाद 24 पे बहुत सी टीमें बैठ जाती हैं अब हमने देखा हमारे साथ ये हुआ 99 के वर्ल्ड कप में एकदम से हम 132 पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में आउट हो गए लेकिन मिलर ने बड़ा अच्छा शो किया है बट बाकी जो ओवरऑल इनकी टीम की सूरत टीम अच्छी है इनकी लेकिन ये बीच में एक प्लेयर भी आपको दूसरी टीमों से अगर प्लेयर डिजर्व नहीं करता टीम में वो काफी पीछे तक खेल के ले जाता है तो ये अब बबूमा भाई द कैप्टन ही वॉज दे बस ये अब सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं इसी में खुश रहे और अच्छा फैसला था आज एक और स्पिनर खिलाने का जहाँ पे तारीफ बनती है वहां पे तारीफ करनी भी चाहिए ये इन्होंने को अच्छा रीड किया था और शमसी को खिलाया था और फिर ये वाला जो पॉइंट है ये अच्छा था जिसने भी ने सोचा था गुड पेड ऑफ भी कर ही गया था अगर थोड़े से और ये फील्डिंग में अच्छा करते कैचेस वगैरह करते और रोने पड़ा जब दोबारा कैच छोड़ा बाकी इसने जब आ, इसने देखा है कि भाई आ, उनके ट्रेविस हेड ने और मैक्सवेल ने अच्छी बॉलिंग की है ठीक है जंपा फ्लाइट ने दे रहा था छक्के खा रहा था तो बबूमा को ओवर का इंतजार नहीं करना चाहिए था छह ओवर इसने करवाए हैं पहले साठ रन इसने खाए हैं साठ रन खाने के बाद ये लेके आया स्पिनर्स को मार्क्रम ने ही पहली ओवर में आउट कर दिया बोल्ड कर दिया उसको स्पिनर्स ने इंपैक्ट दिखाया अगर एक तुम इस मैच में एक, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे हो और आपने बैटिंग किया आपने पिच का बिहेवियर भी देख लिया क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा एक पार्ट टाइमर उसको जब इतना टर्न मिल रहा है तो फिर आप अपने स्पिनर्स को लगाओ क्या वेट कर रहे हो साठ खा लिया इन्होंने छह ओवरों में तो बाकी डेढ़ तो रह गया था तो डेढ़ पे फिर बाकी ये आ, से ना आप एग्रेशन वो भी आरिस रहूगा

स्पोर्ट्स में कभी तरक्की नहीं कर सकते या भी आप आए थे मैं देख रहा था आप वो जी पे आए थे न्यूज उसमें देखे वो प्रसाद साहब भी थे उसमें वो मुरली कार्तिक भी था उसमें अयाज साहब थे तो बड़ी जबरदस्त गुफ्तु आप देखिएगा यूट्यूब पे पड़ा मैं सुन रहा था सबने बैठा हुआ था तो मैंने ने कहा यार आप तो ऐसे बैठे जैसे उन्होंने आपको जबरदस्ती गर्दन से पकड़ के बैठाया थोड़ा ऐसे इतनी अच्छी आपने बड़ी बड़ी समझा उन्होंने भी अप्रिशिएट किया आप देखे पढ़ा होगा बड़ी अच्छा आपने जवाब दिया है कि पाकिस्तान ना हिंदुस्तान की कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं सोच को ना कुछ लोग ये रजाक और जितने भी टू मटू है, ये सोच कर करते हैं ये याद रखे जब आप कलर एंड कास्ट एंड कल्चर लाएंगे तो आप जलील और आज वो देखे हफीज ने अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट कमेटी से रिजाइन किया दो पोस्टों में वह आप रियाज दी पोस्टों में हफीज कह रहा है शान द शान्डर आ रहा है शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया में हफीज तेरे और इसके अंदर पूरा ढंडा जाएगा और मुंह से बाहर आएगा जो तुम्हारा हाल होगा ऑस्ट्रेलिया अबे तूने कभी ऑस्ट्रेलिया में कभी बल्ला पकड़ा था ऑस्ट्रेलिया में तू बैटिंग इनको सिखाएगा ऑस्ट्रेलिया में जाके हफीज और ये शान मसूद जिसकी जगह नहीं बनती वो कप्तान बना दिया ये है पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा हर जगह जलील और फार हो रहे हैं और ये भमूमा जैसे जिनका कोई तलग नहीं है क्रिकेट के साथ ये कर से क्रिकेट पे ये ऐसे लोग क्रिकेट के लिए एक लानत है है अब मुझे बताओ रीजा बार बैठा हुआ और ये सौ 145 रन करके आठ मैचों में अठारह की औसत से कप्तानी से नहीं आती बैटिंग से नहीं आती डू की तरह उछल रहा था उस दिन जैसे नीचे से किसी ने गैस भरी हवा में रहा है पाकिस्तान को रहा यहां पर मैच 212 करके भी इसके बॉलर ने अगर ये स्लिप पे लगाता है जिसके साथ चौके हुए स्पिनर पे इसको पता ही कुछ नहीं है जब आप का क्रिकेट के आप इलिटरेट है जब आप देखें कीनिया सेमीफाइनल खेलता 2003 का याद है ना आपको कहां है आज कीनिया कहां है जिम्बाब्वे देखे ये नई आप याद रखिएगा ये नीदरलैंड या अफगानिस्तान अगर इनको आईसीसी सूतू क्रिकेट काउंसिल टट्टू क्रिकेट काउंसिल ये अगर जाग गई ये पाकिस्तान की टीम नीचे जाएगी लिख के ले ले मेरी बात अगर ये जका अशरफ और ये सेठी ये मेठी पेठी ये रहे आप याद रखना पाकिस्तान की क्रिकेट का एक ही था या या उसैनी फलाना ढिमकाना ये वो ये सारे ये आमिर ये इमाद वसीम दे आलवर अब सिकू टिकू पिकू ये वो क्या वो क्या यार वो लोहार के अंदर का आकिब जावेद दे ऑल वर अप इन वन मिशन एंड दैट वाज टू रिमूव बाबरा आज रिपोर्ट में गया यार वो घंटा ये इसकी बात नहीं सुनते अबे ये जो बाप बनाए अपने और ये याद रखे जब आप ऐसे जर्नलिस्टों से ब्लैकमेल होंगे ऐसे पर्चियों से ब्लैकमेल होंगे जो एमजीएम के नाम पे क्रिकेट खेले हो या किसी के किसी का बाबा जो है वो डिप्टी कमिश्नर है कोई जो है ग्रेट है किसी का यहाँ फूल लगे नाम नहीं ले सकता खेलता है और शैतानों का सरदार जो है, वो पता है, कौन है? नाम लिया तो अंदर हो जाऊंगा तो भाई जन बात ये है कि ये बहुमा भी एक शैतान है ही हाँ शैतान है ये अगर आप किसी का हक मारते हैं मैं भगा दिया याद है ना कितना अच्छा खेलता था उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है तो भाई जान ये याद रखे आज अगर इंडियन क्रिकेट टॉप पे है ये गुफ्तगुआ जरूर सुनिएगा वो चैनल 18 जो है उस उसमे बात हुई है इन्होंने जो बातें की है भाई देखिए अगर आपकी क्रिकेट ऑनर राइज है कुछ लगड़ बगड़ जो है कुछ पैसों के दम पे कुछ वैसे ही में उठने के दम पे इंडिया की टीम जो है वो अपनी मेहनत से आई है ये आकिब जावेद जैसे ये सिकंदर बाग जैसे ये हसन रजा जैसे ये रमीज राजा जैसे ये रजाक जैसे ये रजा कई आएंगे और चले जाएंगे इंडिया की टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो ये अपनी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग देखे इंडिया ने कहीं ऐसे चौक नहीं किया कि सात विकेट गिर जाए आप 212 रन साठ का आपको ओपनिंग मिले और आपकी टांगे नहीं सब कुछ काम जाए तो भाई आ, आपकी टीम पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ अच्छा गिरी आपकी टीम डिजर्व करती है जो फाइनल में है किरण पटारे साहब कह रहे हैं साउथ अफ्रीका प्लेट विद टेन प्लेस बबूमा का कुछ फायदा नहीं जी दिस इज वॉट वी वो टॉकिंग

वो 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 भी यही है पीएसएल में भी रजिस्टर है डायरेक्टर क्रिकेट भी है कोच भी है पाकिस्तान टीम का ये ये यही रन बाजिया है आ, अभी मोहसन भाई ने आपको बताया अभी न्यूज सी न्यूज 18 वो इंग्लिश का चैनल है उनका इंडिया में आ, जका साहब थे होस्ट एंकर तो उनके साथ पैनल में मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट अयाज मेमन साहब फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स वंकटेश प्रसाद और कार्ली मुरली मुरली कार्तिक मुरली कार्तिक हाँ तरीबन थी पैंतीस चालीस मिनट का गले तो में वो डोरी डाल के रखता था उसकी खास पैंतीस चालीस मिनट का वो है वीडियो अगर वो अभी अपलोड कर देंगे तो मैं उस पर आपको भी शेयर कर दूंगा इफ यू वॉन्ट टू लिशन इट तो यू मैस्ट लिसन दैट इफ नहीं वेरी सॉलिड क्रिकेटिंग प्योलली क्रिकेटिंग नो पॉलिटिक्स इन दैट जो बातें उन्होंने की जो बातें इन्होंने की सारी बातें ठीक है सारी बातों को मैं एग्री करता हूं आ, मैं मुसलमान यहीं बात कम होता है कि मैं किसी बात से एग्री करूं आई वाज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मिस्टर रिजवान आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज लिसनिंग तो उसमें भी यही बातें हो रही थी मतलब वरिमिस राजेंद्र ने जो वेव रिचर्ड के उस पर बात की अब्दुलरजाक की वो जो घटिया बात है शोरिया पे बात की वसन रजा ने गेंद चेंज हो गया ऐसा हो गया वो सिकंदर बस के सिक्कू के सिक्के वाली बात कोइन की और ये हफीज की कि उस दिन उसकी इनिंग्स को कोहली की इनिंग्स को सेल्फिश बोला था जब तरासी पे आउट हो गई थी तो इन तमाम टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है और अब आप, आप देखना चाहते हैं तो वो लिंक आपसे शेयर कर दूंगा तो ये बात भी राहुल साहब ऐसे ही है अब आपने सिर्फ का नाम लिखा है ये वहाब रियाज का लेकिन जैसे मोसन भाई ने बताया कि वो आ, हफीज जो है वो डायरेक्टर लगे क्रिकेट, ले के, ले। के, क्रिकेट के लगे हफीज एज प्लेयर भी खेला था तो अभी भी मेरे ख्याल में इसी ताक में पी एस एल में तो ये अजीब सी काम है अगर यहाँ पे कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर आप अभी रिटायर हुए हैं तो कम से कम चार पांच साल का आपका तो फर्क तो होना चाहिए आपको मजे कि चार पांच साल आप मतलब अभी उन्हीं प्लेयर के साथ आप खेल रहे थे अभी उन्हीं के साथ है क्योंकि आपने साथ में खेला होता है कोई पसंद होता है कोई ना पसंद होता ये है ये आई आईसीए आप... अब... प्लेयर्स एजेंट एजेंसी जो है ना हाँ। उसके साथ भी है मामूला अब्दुल्ला शफीक नसीम सामयूब सरफराज हारिस उसामा हसनैन सुफियान रोमान आमिर जमाल अरफाज मिनाज हफीज मिसबा और ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी और हफीज ने आज क्या है बड़ा अच्छा साथ रहा अब मैं छोड़ बोल रहे है ये। पहले इमाम आप क्या ऑस्ट्रेलिया चैंपियन मतेश जी ऑस्ट्रेलिया uh, का रिकॉर्ड है वो फाइनल में पांच की पांच दफा जीता है जब भी फाइनल में उतरा ये ऑस्ट्रेलिया का यूनिक रिकॉर्ड है वरना हम गए हम भी आ रहे आप 2003 में गए आप भी आ रहे तो हारे दो हजार सात में श्रीलंका भी हारा अभी तो इनका और उनका और है तो मैं हमारा सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि हम भी हारे हैं ये यूनिक रिकॉर्ड इन दो में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का दे हैड क्वालिफाइड फॉर द नॉकआउट्स यानी सेमीफाइनल या फाइनल में गए हैं फाइनल में कभी ऑस्ट्रेलिया हारा नहीं है नेवर अब क्या हुआ इंडिया से आ रहा साउथ अफ्रीका से पूल में आ रहा आज साउथ अफ्रीका से गिरते पड़ते मरते हूं जो भी है देखे एक बात तो तय साउथ अफ्रीका के अंदर जो डर था वो कहीं ना कहीं जैनवन था ये साउथ अफ्रीका हार जाता अगर एक पे सात साउथ अफ्रीका के आउट हुए होते साउथ अफ्रीका हार जाता ये ये हर रोज पाकिस्तान की तरह मेरिकल्स नहीं होते हैं कि आप पाकिस्तान से जीत गए थे अंपायरिंग इनता ग्राउंड फील्डिंग इनकी बेन था हालांकि साउथ अफ्रीका इज ऑलवेज नोन फॉर गुड, गुड गुड फील्डर्स कैचर्स पांच कैच इन्होंने छोड़े लेकिन ये जहन में रखिए दो जो आपको बार बार कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया की जो देखे आज ना मैक्सवेल चला ना मिचेल मार्श चला तो फाइनल के लिए आपने जहन में इनकी स्ट्रेटजी क्या बनानी है ये आपको मुझसे बेहतर बताया हाँ जी तो पांच दफा के चैंपियन वर्सेस दो दफा के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया और इंडिया के पास मौका है कि वो तीसरी बार चैंपियन बने दो दफा वेस्ट इंडीज के पास भी जाहिर है वो भी चैंपियन पहले दोनों वर्ल्ड कप उन्हीं ने जीते थे उन्हीं से ही फिर इंडिया ने जीता था तीसरा उनकी हैट्रिक नहीं होने दी थी इंडिया बड़ी अच्छी फॉर्म में है बेहतरीन फॉर्म में है चाहे साउथ अफ्रीका आता या ऑस्ट्रेलिया आता हाँ, नहीं सॉरी यस का फाइनल आई एम सॉरी पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को हराया था अरविंदा डी सलवा यस बिल्कुल आपने सही कहा धवन साहब साहब आई एम सॉरी यस कहजोत सॉरी तो आ, फेवरेट तो इंडिया ही है लेकिन मेरी जाति राय है कि अगर साउथ अफ्रीका आता तो फिर शायद सेवेंटी एटी परसेंट इंडिया फेवरेट होता अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो परसेंटेज नीचे आ गई है है तो इंडिया ही फेवरेट बाकी डिटेल ऐसा पे पे uh, लग रहा था मतलब खराब कर दिया तो लोग काफी तादाद में लिख रहे थे जी बस बोरिंग है मैच बस खत्म हो गया छुट्टी हो गई कुछ और देखें टाइम जया करें ये वो देखते 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 फिर वो आपके सामने है मिलर का अच्छा सौ आ गया और टीम का अच्छा थोड़ा सा फाइटिंग टोटल बन गया और साठ पे कोई आउट नहीं था छः ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का ऐसा लग रहा था ये तो भाई बिल्कुल डिमोलिश करके रख देंगे पर एट द एंड ऑफ द डे गिरते पड़ते मरते करते पहुंच गए टारगेट तक और टारगेट अचीव कर लिया और ऑस्ट्रेलिया उनमें एक खास बात ये है उनका जो एटीट्यूड है कि नेवर टू तो से नेवर टू तो डाई सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड ये वाला जो है ना ये बहुत कम टीमों में पाया जाता है दैट्स वाई दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम पांच दफा वर्ल्ड कप जीतना ये मजाक नहीं है भाई तो हम हाँ तो एक एक बार जीते हैं वो ही पता नहीं कितने कितने साल भी उसी को याद करते रहते हैं तो वो 99 में जीते 2003 में जीते 2007 में जीते 2015 तो उसी सदी में ही इसी सेंचुरी में ही चार दफा जीत चुके हैं हम बाकी तो बात ही छोड़े तो हम पाकिस्तान इस पूरी मतलब सदी में सेंचुरी में छह वर्ल्ड कप खेले एक का सेमीफाइनल खेला तो ये तो हाल है हमारा एनी uh, हम तो ना तीन में ना तेरह में तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मैच अच्छा होगा जी तगड़ा मैच होगा बात उस डिटेल में करेंगे सेवेंटीज को छोड़े 11 का सेमीफाइनल आगे छुट्टी उसके बाद छुट्टी मैं फिर हार गया जनाब इजी विन सोचा था कांग्रेचुलेशंस मोसन भाई आप किस बात से हार के मैं मेरे को क्या ऑस्ट्रेलिया Australia... उन्होंने कहा था कि साउथ अफ्रीका रगड़ देगा याद आया मुझे अच्छा साउथ अफ्रीका रगड़ देगा नहीं यार आगे ऑस्ट्रेलिया था जीता भी तो क्लोज ही जीतना था रगड़ने वाली बात ग्रुप स्टेज की और बात होती है, बात है। और नॉकआउट की और बात होती है और ऑस्ट्रेलिया मैच बट फाइटिंग साउथ अफ्रीका

इनकी टीम की किस्मत अच्छी हुई तो फिर नहीं होगा जैसे साउथ अफ्रीका चोकर्स है धरमुमा है लेकिन रिजवान दोनों टीमों में अगर आप कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीका की टीम तगड़ी थी ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक एटीच्यूड जो है ना ऑस्ट्रेलिया का वो तगड़ा है वरना अब आप बॉलिंग लाइन देखे मार देखे इनके बॉलर को भी पड़ी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियंस को मार भी पड़ी वो शुरू में जो इन्होंने फायदा उठा लिया मौसम का वो उठा लिया बाद में इनको भी वावा धोया मिलर ने जंपा को तो पंपा कर दिया हाँ टंपा कर दिया बोस सर फोर कैप्सी अधी बबूमा से महाराज और शमसी को पहले लाना चाहिए पहले था। नहीं लाया इनसे अच्छा कप्तानी बाबर ही स्लिपे नहीं लगा बाबर तो आप खैर छुट्टी हो गई है वैसे ही बाबर को मैंने वैसे इन सारे कप्तानों में जो है ना पांचवे नंबर पे रैंक किया भाई चौकर्स चौकिंग अगेन बैटिंग एंड कैप्टन कैप्टनशिप वर्ष में मैंने शहदी को रखा उससे भी नीचे मैंने शिकीत को रखा फिर शहदी को रखा और फिर ये बमूमा साहब जो है ना ये भी बीच में आते हैं uh, क्या हुआ जी नहीं मोहसिन uh, भाई ये बोलो क्या हुआ जी आपकी टीम का तो इनकी टीम तो पाकिस्तान थी भाई मेरी टीम का ये हुआ की दस विकेटो से हारगी साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया ने चौदह तीन ओवरों में मैच जीत लिया अभी ठीक है भाई अब ठीक जो फॉर्मर अपना ब्यूरोट है सत्तर साल उम्र है चीमा साहब जो है वो आ रहे हैं और ये जो मैनेजर था ना आपका वो रेहान वो गया

मतलब अब जबर जोर जबरदस्ती मतलब ये अजीब सी कोई समझ नहीं आती है बात तो ये चीज़ इनको कॉस्ट कर गई है आई डोंट नो व्हेन दे वुड रियलाइज इट फाइनल में पहुंचते नहीं है सेमीफाइनल में ठुस हो जाते हैं 99 का जो भी पहुंचने लगे थे और बानवे में भी कोई बारिश बुरिश का काम हो गया 99 में और फिर अभी आपके सामने तो ये हर हाँ दफ़ा मतलब फाइनल का इन्होंने टेस्ट ही नहीं चखा तो इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या फाइनल खेलेंगे ये पहले अपने मसले तो हल कर लें

तो सनी शर्मा साहब फर्क है थोड़ा सा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में और अभी जो फाइनल होगा आपका अभी खेलेगा हैं हेड ले जाएगा इनसे फाइनल, आ, फाइनल। अच्छा। तो बुमराह इस धे शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है वो आपके सामने सिराज भी चलो ठीक है अच्छे रिदम में ऊपर तो से तो पहले बुमराह और सिराज और फिर अगर उनसे बचत हो गई फिर शामी आ, इस तरह के जो बैट्समैन है होते तो डेंजरस हैं लेकिन हमेशा आ, उनके विकेट जाने का भी चांस बराबर ही रहता है आ, उसका जो मिजाज है वो टुक टक तो नहीं करेगा खेलेगा तो तेज ही बट आई गॉट द फीलिंग के बहुत कोई ज्यादा डैमेज नहीं करेगा इंडिया पकड़ लेगा अच्छी प्लानिंग के साथ टीम इंडिया आ रही है इस वर्ल्ड कप में और अच्छी प्लानिंग के साथ आएगी और आई डॉट फाइट थी हमने बैट और बॉल से की और फलाना की डॉग फाइट थी तो इसमें डॉग कौन था फील फॉर बहुत अच्छा खेला जी छह अच्छा थे उसने उसने तबाही करवा दी देखिए इमोशनल होना अच्छी बात है याद करना लेकिन ये सेमीफाइनल था ना भाई जन चाहिए ना हमें आज अगर गिन सही कह रहा है कहता है मैंने कहा था आज हंड को खिलाए अगर जीतना है लेकिन इन्होंने नहीं किया रेहान तो अली कह रहे हैं आपसे आप इतफाक नहीं करता बुबमा ने हाईएस्ट रन स्कोर कियाउथ अफ्रीका दो हजार तेईस में लेकिन ये स्पोर्ट्स है कभी कोई चलता है कभी नहीं चलता जैसे कि स्मिथ का भी बड़ा गंदा वर्ल्ड कप जा रहा है

बात यह अली रेहान साहब जैसे आपका फुटवर्क नहीं है ना इसी तरह आपकी क्रिकेट भी जो है ना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हो सकता है आप इंग्लैंड में वकालत के दम पे लोगों को डरा डरू के स्कोर कर जाते हो मुझे नहीं आप डरा सकते नंबर टू अली रेहान फिर आप ए, ए, माफ कर देना मुझसे बुरा ना मानना आपकी फिर क्रिकेटिंग नॉलेज जो है मुझसे भी कम है मैं तो स्टूडेंट हूं आप अभी जो है ना वो आप हाँ दाखिला ले ये जो छोटे बच्चे नहीं होते जिनकी माए वगैरह उनको डाल देती हैं क्या कुछ सीख लें स्कूल जाने से पहले तो मॉन्ट्री में आप अभी दाखला भाई ये मुझे ना बताएं 2023 में कौन हाईएस्ट था इस तरह तो ठाकुर भी जो है अभी तक 2019 के बाद से अब तक हाईएस्ट विकेट एक कौन थे यार फॉर और मेरा भाई वर्ल्ड कप पूरा इसने नीचे लगवा दिया आठ मैच सिर्फ कप्तानी की वजह से क्या इनकी नस्ली इम्तिया नहीं है क्या कलर पॉलिसी साउथ अफ्रीका नहीं करता और अगर आपको नहीं पता तो आप अच्छे वकील हाँ वर्ल्ड कप तो बहुत बुरा किया है पहले रन के अभी जब इनकी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी तो उसमें भी उसने अच्छे एक सौ भी डाला था और दो बड़ी फिफ्टियां भी की थी लेकिन बात यह है कि लोग तो ज्यादातर अब यही तो मसला है हमारे बाबर आजम का भाई काटल में रन करने करने का क्या फायदा जैसे ही कोई बड़ा एशिया कप का वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी कुछ आता है, तो उस तरह के ही नहीं आते तो जहाँ पे मैटर मोस्ट करता है वहां पे आने चाहिए और बबुमा बिल्कुल ही लेट डाउन किया है साउथ अफ्रीका को चलो किसी मैच में कुछ अच्छा करता कोई सौ नहीं भी आया तो कोई पचास साठ सत्तर कोई इस तरह की एक दो इनिंग्स खेलता बीच में तो कख भी नहीं आया बाबर फुलाप हुआ है फिर भी स्कोर की है चालीस की दो तो जो, जो है वो कह रहा है कि इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट डिजर्विंग प्लेयर्स वर ऑन द बेंच एंड वर प्लेइंग अब अब आप उनसे ली रे बात करें माय प्रेडिक्शन इंडिया सिक्सटी ऑस्ट्रेलिया फोर्टी वॉट यू से ने आ...

तो ये भी आपका कमजोर लिंक है अनिकेत जी जी ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच जाता है हर दफा नहीं, देखे देखे, देखे अनिकेत जी पहली बात तो यह है आप अफगानिस्तान वाला मैच में लाइन ये आपको पहला आंसर मिलेगा कैसे पहुंच जाता है दूसरा मैच आज वाला हालांकि कमिंस के साथ बड़ा एवरेज कप्तान है यह बात सच है कोई नहीं मानता उसकी मर्जी है अब आप मुझसे आर्गूमेंट करना चाहते हैं मैं पांच मिनट आपको इस पर दलील दे सकता हूं लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा हैजलवुड बस आगे बढ़ जाऊंगा भाई बात यह है मेरे भाई देखें हेड को आपने लगाया दो विकटें ले ली पार्टनरशिप ब्रेक होगी आप क्यों लगाते हैं पार्ट को? You use It's not ये तो आप तनकीद कर रहे हैं वो कह रहा कैसे पहुंच जाते हैं फाइनल सेमीफाइनल में वो बताएं। भाई वहीं बताने लगा लगाऊ ना तंकीद नहीं कर रहा आ, मैं बता रहा हूं लूप होल्स भी बता रहा हूं साथ साथ जो ये मतलब ये इनविंसिबल समझ रहे हैं मैंने लूपोल्स भी बताऊंगा ना आ। मैं काउंटर आर्गुमेंट भी तो दूंगा ना अच्छा बाई पहुंच इसलिए बस यहां से स्ट्रांग होना मैटर नहीं करता यहां से स्ट्रांग होना मैटर करता है ये यह यहां से बहुत स्ट्रांग ये एक वन लाइनर है और अब बिल्कुल जी ऑस्ट्रेलिया जैसे कोई टूर्नामेंट आता है आईसीसी का चाहे टी ट्वेंटी हो वनडे हो इवन टेस्ट का भी जो वर्ल्ड है जिसकी वजह से इनका चांस खत्म हो गया और ये नहीं पहुंचे फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वरना दोनों बार ही चांसेस दे का फाइनल होता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी दोनों बार तो चाहे वर्ल्ड टेस्ट के लेवल पे बात हो या टी ट्वेंटी के या वनडे के आ, दे आर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट इनफैक्ट द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स और आ, हमने तो भाई आ, इंडिया के परस्पेक्टिव आप देखें तो आपको शायद ये पीला रंग देख के आप कहते हैं कोई बात नहीं फैंडी लगाएंगे इनके धुलाई करेंगे हम इनकी हम तो अक्सर इनकी धुलाई करते हैं लेकिन पाकिस्तानी परस्पेक्टिव से अगर बात करें तो ये पीले रंग से हमें वैसे ही बड़ा डर लगता है इन्होंने हमें बहुत हराया है और बार बार हराया है और हम बहुत कम इनसे मैचेस जीतते हैं नॉकआउट में तो कभी जीता ही नहीं वह बाकी भी कभी कोई किस्मत अच्छी हो तो ग्रुप मैच में कभी कभार जीत जाते हैं हराया हुआ दो तीन बार लेकिन ज्यादा हारते ही है आ, तो शायद इसलिए भी हमें कोई ज्यादा डर लगता है इनसे और रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं ना आप, आपके दो फाइनल हारे भी हुए हैं उसके बावजूद पांच जीते हुए अंदाजा करो दो फाइनल हारने के बावजूद पांच जीते हुए यार तो आप फिर देख लें कैसी कंसिस्टेंसी सात जीत सकते थे तो 2019 में भी सेमीफाइनल में ये हारे थे इंग्लैंड से तो अब इनका क्रिकेटिंग कल्चर ही ऐसा है क्या है बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छे ही करते हैं ये बट दे आर गुड पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फुटबॉल का क्वालिफाइंग का चल रहा है हाफ टाइम पे पाकिस्तान सऊदी अरब जिसने अर्जेंटीना को अभी वर्ल्ड कप में हराया था वन जीरो से पीछे है लेकिन बहुत बड़ा मैच चल रहा है हमारा कप्तान और डिफेंडर जो है मेन वो नहीं खेल रहा ये मैच इसके बावजूद अस्सी हजार का क्राउड है सऊदी अरब में बड़ा बड़ा क्रश है फुटबॉल का एक जीरो से एक जीरो से हार दर्जन गोल ठुक नहीं सिर्फ एक गोल का सीट हुआ है हजार का क्राउड और बारिश हो रही है वाह वाह जी ये तो कमाल हो गया ये तो मैच चला जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में फुटबॉल और फुटबॉल का मैच जी जी बिल्कुल एब्सोलूटली तो अब एक जीरो से अभी तक तो फिर अच्छा ही मुकाबला किया हुआ मौसम भाई सर यू आर नॉट दैट रॉन्ग इट टुक टेन रन पर ओवर फाइव ड्रॉप कैचेस मिस फील्डिंग एंड साउथ अफ्रीका ओपनर डिपैकल फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन बट आ क्रिकेट क्रिकेट जीता जरा गजब मैच देखिए भाई बात पता क्या है साहब लोग कुछ लोग एक सौ में नहीं एक हजार में नहीं पचास हजार में चार पांच लोग हैं जो एक ही मुखलिफ आइडियों से हैं एक दो लोग उनका जिंदगी का पता नहीं उन्होंने अपनी जिंदगी क्यों मुश्किल बनाई है, एक बूढ़े आदमी के साथ मैच खेलते हैं मैं बारी पूरी लेता हूं, मसला ही है, यार देखे आप ओवरऑल देखा करें कि हम क्या बता रहे हैं वो सारी चीजें ये मैं रिजवार बैठे हैं ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका ये कोई प्रोडिक्शन है इट्स नॉट प्रिडिक्शन नहीं नहीं किसी मैच में हम दोनों एक तरफ भी होते हैं ना प्रिडिक्शन कहने का मकसद है ये नहीं होता कि एक आपने उठाई है एक ने तो जीतना है या आप जीतेंगे या मैं जीतूंगा हुँ. ये क्या कमाल है कमाल ये बताएं मैंने आपको मैच चल रहा था स्कोर मार रहे थे आपने कहा ये तो हार रही है आपने कहा सोल्यूशन बताया मैं स्पिनर आने दें और रिजवान आपने कहा साठ पे कोई आउट नहीं है या पचास भी है चालीस पे नहीं है

और राज्य राज ये आपकी बात में दम है स्पेशली आज जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम की टांगे उखड़ गई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम वहां एक लाख तीस हजार लोग बैठे होंगे नरेंद्र मोदी साहब स्टेडियम में होंगे बड़े बड़े जो है अपनी अपनी फील्ड के बादशाह बैठे होंगे प्रेशर होगा आई एग्री राज जी मुझे तो यह बात हमेशा ही पसंद आती है कि आप पहले बोर्ड पे अच्छे रंस, में। अच्छे रन डालें दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है और अंडर प्रेशर आप उनको लेके आए तो अब ये मुझे दो मुझे 2003 वाले में भी देखें ऑस्ट्रेलिया को बल्कि मैं में, में टॉस गंगुली जीता था एंड ही ऑप्टेड टू फील्ड तो बोर्ड पे लग गए 360 ओहो तो मैच उधर ही फारक हो गया कोई 160 तो वो कर गया था पॉन्टिंग तो मैच उधर ही खत्म हो गया बाकी उनकी जो बॉलिंग थी वो किसी सूरत में भी इतने रन ना करने देती सहवाग वगैरह अच्छा खेले थोड़ा फाइट बैक किया लेकिन नहीं रिच से काम बाहर चला गया तो यहां पे भी आप अगर अच्छे पहले बैटिंग करके आप रन अच्छे बोर्ड पर डाल देंगे तो कुछ ना कुछ तो इसका फायदा जो है अंडर प्रेशर टीमें जो है अभी भी देखें आज के मैच में भी हालांकि टोटल इतना बड़ा नहीं था पिच चलो स्पिनर्स को सिस्ट कर रही थी वट अंडर प्रेशर गलतियां होती हैं

यू नहीं नहीं अच्छा uh, राहुल बहुत अच्छा बोले हैं और वो भी सारे अच्छा बोले हैं मैं बंदा क्रेडिट ले ले किसी से uh -huh. इन्होंने भी बड़े अच्छे और भी किया वेरी हालांकि वो जरा थोड़ा हार्ड आ रहे थे पहले लेकिन डजंट रिफ्लेक्ट एंटायर नेशन द मोड ऑफ द नेशन एंड प्लेड वेरी वेल so you deserve to be in the the finals and our and they were very appreciative as well the matter of fact is interact तो जी फुटबॉल का अच्छा जीरो, जीरो है, वो भी बड़ी तगड़ी है और देखे कमेंटेटर बड़ी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की एक सौ तिरानवे भी रैक्ट बीस टॉप बीस वाली टीम से आ, वो कह रहे हैं वो देख रही है टीमे जो है वो डिफेंडर हो सकता है इनमें से कोई उठाए। कोई पिक्की करने, कोई उठाए एक आधा पिक कर ले हमारे भी फुटबॉल आगे जाए क्रिकेट के अलावा भी कोई मैचेस हो यार आ, जी much, जी थैंक यू वेरी मच राहुल गुरु नायक साहब देखे मैंने वो भाई ने कॉल किया कि इस तरह न्यूज 18 में आ, ये ये टॉपिक है तो मैंने बोला यार वो शो शराबे वाला तो नहीं है शो उन्होंने कहा कि नहीं जी अयाज मेमन साहब होंगे वो मुरली कार्तिक साहब होंगे और बनके प्रसाद साहब होंगे तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मैंने डन कर दिया ओके okay. सही है जी ये मतलब आ, फिर मजा आएगा जरा गपशप करने का तो अच्छी डिस्कशन थी वो लिंक अगर मुझे मिल जाएगा अभी पे तो मैं शेयर कर, क्या कर दिया, दिया। तो कर कर दिया, कर दिया। मैंने नाम भी उनका लिया कर दिया कर दिया देखे एपीडी विलियम को रिटायर होना पड़ा फैफ दि को रिटायर होना पड़ा ये मस्ट है साउथ अफ्रीका में पांच ब्लैक प्लेयर खेलेंगे और साउथ अफ्रीका के ब्लैक खेलेंगे तो ये कप्तान है ब्लैक कर ले आपने जो करना है अच्छा पांच नहीं आज की टीम में पांच तो कोई नहीं है पांच तो कहते दो तीन ही खेले पांच कहा केशव महाराज क्या वो मैं आपको वो बताता हूँ ना तो, अभी, तो था था अभी, 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 और ये ब्लैक का मतलब ये नहीं है कि काले रंग का होना चाहिए मतलब ये इनकी एक पॉलिसी है जनाकी रमन कह रहे जना भाई मलिक सिम्स वेरी हैप्पी विद बाबर रिजन हाउ कैन बी सेल्फिश जेलस और बाबर से और पुअर प्लानिंग एग्जीक्यूशन छोड़ो यार बाबर भाई मलक कह रहा है सुने इनकी हाइपोक्रेसी सुने हफीज मलक सिकंदर बख्तू टलामा बदबख्तू ये जितने कह रहा है अगर वहां ऑस्ट्रेलिया में हारेंगे कप्तान जिम्मेदारियों का टीम होगी बाकी जहां भी हारेंगे हर बागड़ बिल्ला कप्तान जिम्मेदार होगा ये है हाइपोक्रेट्स ओ इसकी तो समझ में आती है ना जलन फिर बात करेंगे वैसे अभी बताया कि बैटिंग फर्स्ट अच्छी अप्रोच होती है ऑस्ट्रेलिया ग्रेट स्पोर्ट्स कल्चर अदर स्पोर्ट्स बिल्कुल ऐसे ही है अली रिहान कहेंट्स इजी टू रिप्रेजेंट एनी कंट्री

प्लॉक ने नहीं कप्तान नहीं था सकता अफ्रीका का गिब्स शॉन पॉलक की बात कर रहा हूं गिब्स नहीं था कप्तान उनका गिब्स uh, नहीं था बेहतरीन बैट्समैन जिसने वो 434 434 साफ करते हैं तो ये उनको भी कहे इट इज वेरी इजी टू से टू मोसिन अली बिकॉज़ यू गाइस फील लाइक दैट वन हैड टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट टू Talk ऑन देन हाउ कैन दिस क्रिकेटर्स बिकम क्या uh, टीवी uh, पे भी बैठ जाते हैं, भी लिखते हैं। उनका पता नहीं जो भी सिस्टम है जो भी कानून है वट एवर लेकिन आई सीरियसली बिलीव दें अगर ऐसा होता लेकिन अब ऐसा खेल नहीं है बाहर हो गए नहीं नहीं है। है। क... तो तो इंडिया का बेटर चांस है वर्ल्ड कप जीतने में इंडिया को सिर्फ ओपनिंग स्पेल्स देखना है स्टार्क ने देखना है बाकी ये वीक है मिडल फेज में अनमोल साहब ठीक है जी और गुरुकुल जी आपने हिंदी लिखी है हिंदी तो हमें पढ़नी नहीं आती

और कोई मिसाल दें जिससे मैं बहस कर दो दिन से मैंने बहस छोड़ दी आपके साथ आई कैन फील के हम जो मर्जी कर लें इधर वो लोग कामयाब है यूट्यूब पे जो जितना बेवकूफ़ अच्छा बना सकता है या पे ना आपको नॉलेज चाहिए ना यह आपको किसी का बैकग्राउंड चाहिए ना यह आपको सीधी बात सुननी है कुछ लोगों का मकसद यही है कि इधर उधर की लपड़गनी सुनाए मैं किसी सब्सक्राइबर के मैं तो कहता हूं ठीक है सर मैं तो तुसी बात ही नहीं करता आ, जी अपडेट साहब अभी अभी बताया आपको कि इंडिया भी मैच खेल रहा है अपना वर्ल्ड कप का क्वालीफायर। कुवैत के साथ आ, और खेल रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है कुवैत के साथ और अभी हाफ टाइम पे वो जीरो जीरो पे काम रुका हुआ टुडेज मैच वाजंट ऑफ हु प्लेड बेटर क्रिकेट इट वाज द टीम हु प्लेड लेस वर्स क्रिकेट होपिंग फॉर पाकिस्तान कम आफ्टर अ चेंज जी वरुण गणेश जी होपफुली कुछ बेहतर होगा यहाँ पे अभी देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में कितना बेहतर होगा आपका कप्तान देखें ऑस्ट्रेलिया का टू बी वेरी ओनस कोई भी किसी को भी कप्तान बनाते बाबर भी जाता तो फिर भी वही वही तीन जीरो ही नजर आ रहा है वहां पे कोई अगर कोई मौजा हो जाए तो शायद कप्तान परफॉर्मेंस तो बेहतर होनी चाहिए कि नहीं आ, तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में तो ये तो ये लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। नहीं हो हो सकता सकता क्योंकि इसमें इमरान और अकरम ने बड़ा कमाल का एक ने एक सौ तेईस एक ने एक सौ अठारह किया बस पुरानी बातें मैं तो जब से इनको फॉलो कर रहा हूँ लेट नाइन्टी से फिर अर्ली टू थाउजेंड करते गिराते सिर्फ अभी उधर इंग्लैंड में एक मैच सलमान भट्ट की कप्तानी में हराया था पाकिस्तान ने इनको इंग्लैंड में खेला थी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने वरना तो ये भाई आ, एक आधा मैच ये कोई बीच में कोई एक आधा जीत गए हो वरना ये सारे मैच ही जो हैं हार के आते हैं तो आप देखते हैं कि इस दफा ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे बट दैट इज नॉट द लेटमेस्ट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इंडिया जाके दो बार जीत के आई है और जिसका मैंने वो दी है दो जीरो हो गया। आ, तो जिसका मैंने जिक्र किया था अभी ये जो न्यूज़ एटीन में मैं आया था तो उस पर मैंने बात की कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह आ, इंडिया के बच्चों ने जो छः सात यंग बच्चे थे उन्होंने जाके परफॉर्मेंस दिखाई तो डोमेस्टिक का बड़ा फर्क पड़ता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बीच का जितना डिफरेंस कम होगा उतने ही आपके ज्यादा चांसेस हैं प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल में जाके अच्छा करें लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट खेल रही है उसका और डोमेस्टिक का अगर Uh, बहुत ज्यादा गैप है तो फिर बड़े मसल होते हैं और पाकिस्तान में ये है अनफर्चुनेटली वो गैप जो है वो कम होने की बजाय बढ़ता जाता है तो अब देखते हैं कि क्या करेंगे ये जाके। लेकिन टाइम uh, लगेगा uh, अच्छा जी ऋषि पूछ रहे हैं जी मोहसिन भाई क्या प्रोडिक्शन आपकी फाइनल की इंडिया जीत रहा है गिव योर प्रोडिक्शन सो दैट एवरी वन पेस्ट पता नहीं अभी नहीं दूंगा

इमरान पटिंग अंगुली धोनी एंड लास्ट रोहित बेस्ट कैप्टन टिल डेट इमरान पॉन्टिंग अंगुली धोनी ठीक है सारी अच्छे हैं गुरुकुल कह रहे ना जना सर मैं पूछ रहा था कि ये ट्रेविस हेड क्या खाकर आता है हमको इसने फाइनल में कैसे आउट करे क्या इसको कैसे फाइनल में आउट करें प्लीज बताइए ये बुरा चले ये फाइनल में जो है ना ये बीस रन नहीं करेगा आपके खिलाफ एक प्रिडिक्शन दे दी इसको नोट कर 20 रन नहीं करेगा आज मैंने देख लिया कितना एक बड़ा ये प्लेयर है बीस रन नहीं करेगा ये फाइनल में हेड बस ये आपको एक बड़ी हेडलाइन मिल गई है मोहसन अली साहब की जानब से ट्राविस काउंटर आर्गुमेंट चाहिए ना क्यों कह रहा हूं वो सिर्फ पहले ये जो शुरू हुआ ना मैच बॉलिंग शुरू हुई है साउथ अफ्रीका की वो देख ले शुरू में आपको जवाब मिल जाएगा मेरा भी ख्याल है कि इंडिया ये क्या चीज इतने ड्रॉप करेगा ऑल दो शामी ने कल एक सिटर छोड़ा है जो सच बात है बुमराह भी क्राउड भी सब परेशान हो गए थे बट आई फील लाइक के इंडिया जो है वो इस तरह के क्या है कि दे कांट अफोर्ड सिंपल इज दैट सही बात है जी डेस्टिनी जो है कुदरत जो है वो चाहती है कि आप ये वर्ल्ड कप जीते That is why, आ, इतना बड़ा छोड़ के भी तीन सौ खड़ा रहता मैच एंड तक जाता और भी और भी आगे मैच एंड तक, तक जाता।, जाता तो दोस्तों दो सेमीफाइनल हम देख चुके हैं और दोनों सेमीफाइनल का नतीजा ये है कि आप इंडिया पहला मैच पहला सेमीफाइनल जीत के और ऑस्ट्रेलिया दूसरा सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच गए 19 तारीख को फाइनल होगा so ल... मजे के, मजे मजे के। के। एक ऑस्ट्रेलिया था एक अफ्रीका था लेकिन इंडियन गार्डन एबसोल्यूटली ऐसा ही है और बहुत अच्छा और तगड़ा मैच हुआ है और दोनों मैचेस बड़े अच्छे थे बेहतरीन शानदार थे इंडिया और न्यूजीलैंड वाला कल का मैच और आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच तगड़ा मैच हुआ है नो बोथ द टीम्स दे आर इन द फाइनल एंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया पांच दफा की चैंपियन इंडिया दो दफा की चैंपियन इंडिया कोशिश में होगा कि तीसरी बार भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करे और ऑस्ट्रेलिया कोशिश में होगा छठी बार करे हाँ लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कोशिश पूरी नहीं होने देनी और इंडिया दे आर इन एक्सीलेंट फॉर्म और घर में वर्ल्ड कप है डिजर्व भी कर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया की आवाज से गूंज रहा होगा तो इससे बेहतर मौका नहीं है कि दो को तीन में कन्वर्ट कर दीजिए और लोग भी जो इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं आईसीसी की ट्रॉफी आईसीसी की ट्रॉफी तो उस पर जो एक हाथ डला हुआ है दूसरा हाथ भी डाल लीजिए बाकी डिटेल में दो दिन है हमारे पास वी विल बी टॉकिंग ऑन इट ख्याल रखिएगा अपना और लाइक का आज हम भूल गए कहना आप भी लाइक करना भूल ये भी भूले ही रहते हैं तो अभी भी नौ हजार दो सात है मजा तो ये है कि अभी देखते देखते ही आप जो लाइक्स हैं उनकी तादाद आप इतने तक ही ले जाए जितने आप लाइव हैं तो लाइक जो है वो जरूर किया करें आप समटाइम्स हम भूल जाते हैं कहना लेकिन आप कर दिया करें बगैर बताई तो आप लाइक करें आप बगैर बताए लेकिन यहाँ नजर आए हाँ नजर आए तो लाइक भी और सब्सक्राइब भी क्या करें खुश रहें ख्याल रखें अपना कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है